हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेके घर संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे जेके घर संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पहुँचे। आज हम बात करेंगे लीची फल के बारे में। लीची फल साल में एक बार आता है, सीजनली फल है। ये फल बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुत काफ़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। आज हम एक लीची बागान में आ पहुँचे हैं और यहाँ के किसान से भी हम बात करेंगे और आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि लीची की खेती किस प्रकार की जाती है और लीची की खेती करने में कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या जो है सो इससे बेनिफिट मिलता है, लीची फल में क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं किसान भाई से। चलिए, अभी हमारे साथ मिठू जी जुड़ चुके हैं, ये हमको लीची के गाइड करेंगे, लीची के बारे में बताएंगे। तो ये देख सकते हैं मिठू जी मेरे साथ है। मिठू जी, आप अपना परिचय दीजिए। इस चैनल के सभी दर्शकों के मेरी तरफ से नमस्कार। और ये जो है सो लीची के खेती के बारे में हम लोगों को हमको गाइड करेंगे और लीची के खेती के बारे में इसकी जानकारी देंगे कि लीची की खेती किस तरह की जाती है, इसका व्यापार कैसा है, इसमें कितना खर्च लगता है और लीची का जो है सो हर तरह का लीची के बारे में ही बताएंगे हमको। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो फल जो है सो किस महीने में मोजर देने लगता है? फरवरी में देने लगता है। फरवरी में? हाँ। इसमें अभी जो ये लीची है जो है सो क्या कहते हैं, कै गो पानी पर जो है सो मीठा हो जाता है? दो गो पानी पर तैयार हुआ, तीसरा पानी के बाद तो चौथा पानी पर झड़ने लगता है एकदम पूरे। हाँ। लीची में आप लोग जो है सो क्या कहते हैं, दवा वा भी छिड़काव? हाँ, स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते हैं। कौन सा लीची हुआ? ये शाही लीची है। और इसका फल कैसा है? मीठा मीठ होगा अभी? पूरा मीठा एकदम, मैं तो लास्ट कर रहा है ना लीची। अच्छा, क्या वो पानी पर मीठा होता? तीसरा पानी पर फूल मीठा हो जाता है एकदम। हाँ, इसमें तीन को स्प्रे किया हुआ है, लेट के कारण नहीं स्प्रे चौथा स्प्रे हो पाया, समझे कि नहीं। और पछिया के लौंग के बेरी वो जिस बेरी लौंग दे रहा था, इस बेरी यो पछिया हवा बहने के कारण ऊपर माल तैयार नहीं हो पाया। हाँ। अच्छा, लीची जो है तो इसमें क्या कहते हैं, आप लोग मतलब लीची यहाँ से जब टूट के जाता है तो आप लोग इसको मार्केट में आप लोग स्वयं बेचते हैं कि कोई दूसरा खरीद? नहीं नहीं, खरीदार व्यापारी ले जाता है। हाँ, और स्वयं भी बिक्री है। हाँ, स्वयं भी बिक्री है, खुलता भी बिक्री है। अच्छा, शाही लीची? शाही लीची है। इसमें तो अभी कीड़ा कीड़ा उड़ा नहीं होगा? कीड़ा इसमें 90% के मेरे पास गारंटी है, 10% में कीड़ा मिलेगा। अच्छा। हाँ, समझे। अच्छा, शाही लीची किस महीने में आने लगता है, मतलब उगने लगता है, लोग तोड़ने लगता है इसको, मार्केट में बेचने के लिए तोड़ता है? मार्केट में इसी माने यो 5वां महीना 15 तारीख से तोड़ना चालू हो जाता है। अच्छा, आप मिठू जी एगो फल तोड़ कर टेस्ट करके बताइए हमको, दिखाइए, एक फल तोड़िए और टेस्ट कीजिए इसको। एक भी कीड़ा नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, जैसे देखिए तो कीड़ा नहीं है? नहीं, कीड़ा नहीं। अच्छा, खाइए तो खा के दिखाइए इसका टेस्ट कैसा है, खाइए खाइए। बहुत अच्छा है, दो लीची तोड़े हैं, दो लीची में कोई भी लीची में कीड़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, आप ट्राई भी मार सकते हैं, कुछ भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी फिलहाल कितना जगह होगा खेत आपका लीची का, शाही चाइना? मोटा मोटी मानिए तो ना, करीब 15 प्लॉट के करीब होगा मेरे पास। अच्छा। हाँ, सारा टूट गया, 3 दिन का और तोड़िया है बस। हाँ, बस। अच्छा, आप लोग जो खेती करते हैं तो इसमें
कितना पूंजी लग जाता होगा? पूंजी तो पेड़ के अनुसार से है ना, जितना प्लॉट लेंगे उतना ज़्यादा पूंजी लगेगा, जितना खरीदेंगे उतना दवा लगेगा, उतना पानी पटाना पड़ता है, समझे कि नहीं। और मजदूर के जो है पैसा देना पड़ता है, तमाई कोराई सब में लगता है। हाँ, आप लोग को सरकार के तरफ से कोई बेनिफिट मिलता है क्या? कुछ नहीं बेनिफिट मिलता है, कुछ ना, 5% पर कर्जा काट के लगाते हैं अपना। अच्छा। हाँ, 5% पर कर्जा काट के लगाते हैं। अच्छा जी, अभी लीची टूट रहा है? हाँ टूट रहा है लीची, अब तो लास्ट कर रहा है, 3 दिन का है। देखो तो बहुत अच्छा लीची है अभी आपका खेती किया हुआ। सरकार से आप लोग को कोई किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलता? कोई हेल्प नहीं है हम लोग का, इसके ऊपर का लीजिए। आप लोग जो इसको लीची को तोड़वाते हैं तो ये जो है तो कहाँ पे जाता है? डायरेक्ट आप लोग मार्केट में सेल करते हैं या इसका व्यापारी आता है आप लोग के पास? व्यापारी आता है, ले जाता है, व्यापारी ले जाता है। होना और आप दिखाइए तो कहाँ पर लीची टूट रहा है। हाँ जी, इस तरह का पैकेजिंग आप लोग करते हैं? और कर तो चट्टी में बनाता है और हम लोग बक्सा में भर देते हैं, ऑर्डर के माल आता है तो बक्सा में भरते हैं। लीजिए देखिए, इस साइड से लीजिए, नीचे वो ले लीजिए, लीजिए लीजिए। आपका क्या नाम है भैया? हरिलाल साहब। आप जो है तो मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी। पत्ता जो ना 2 मिनट में साइकिल से जो ना एक आदमी ले आना, स्कूटी से जो ना ओकर वाला लेके आना, नहीं तो बोले के चाहिए ना सब पत्ता ना, कोई ना दूर है या चौक पर से पत्ता मिल जाए उधर दो पुड़िया ले ली खाली। जल्दी जाओ, जल्दी आ। अच्छा, ये जो फूटा हुआ लीची है इसको आप लोग क्या करते? फूटा हुआ लीची जूस में जाता चला जाता है। सारे लोग मजदूर है ना? हाँ सारे मजदूर है। इधर से लीजिए तो ये मॉडल थोड़ा लीजिए ना, ये मॉडल बहुत झकास। अच्छा आप बताइए मिठू जी कि आप जो खेती किए हैं इससे आप खुश हैं कि नहीं, संतुष्ट है? आपका खेती जो हुआ है लीची का अच्छा फला है या नहीं? अभी उतने संतुष्ट नहीं है जी, जैसा फल होना चाहिए वैसा नहीं। अच्छा, हाँ इससे भी बढ़िया होता तो बढ़िया रहता। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा हमारे मिठू जी से बात करके। और चलिए हम चलते हैं, हम भी एक लीची को जो है सो चख कर देखते हैं कि आखिर लीची का टेस्ट कैसा है। और लीची जो है सो बहुत ही शानदार खेती किए हैं मिठू जी, और चलिए हम देखते हैं। आइए देखिए, ये शाही लीची है और इसको 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 जो है सो हम छील कर दिखाते हैं आपको। हमको तो लीची भी छीलने नहीं आता है, जैसा छीलने आता है छील रहे हैं। देख लीजिए लीची में कीड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका टेस्ट लेकर हम देखते हैं। बहुत ही मधुर लीची है और बहुत ही शानदार है। तो आप लोग भी अगर मुजफ्फरपुर शहर में आते हैं तो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला का लीची जो है सो चख कर देखिए और इसका बहुत आनंद उठाइए। और जो लोग इसका व्यापार करते हैं वो हमारे शहर में आकर भरपूर मात्रा में इसकी कम से कम बजट में खरीदारी कर सकते हैं। जो लीची आप यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर शहर में 100 रुपये सैकड़ा, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 120 रुपये तक का सैकड़ा आप लीची लेंगे, वो लीची आप पटना,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और विदेश। आप यही लीची अगर यहाँ से 100 रुपये सैकड़ा खरीदते हैं तो विदेश में या दूसरे शहर में इसको आप किलो पर 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये किलो बेच सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे जेके घर संसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ पहुँचे। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हमारे शहर मुजफ्फरपुर का जो लीची है पूरा विश्व विख्यात लीची है। हालांकि लीची की खेती तो बिहार में कई ज़िलों में की जाती है लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में भारी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। तो आप लोग भी मुजफ्फरपुर शहर में एक बार आइए और फरवरी माह से लेकर और मई जून तक इसकी खेती होती है और अप्रैल मई से जो है सो लीची निकलने लगता है और टूटने लगता है, मार्केट में आने लगता है, बिकने लगता है। हालांकि मई महीने और जून महीने दो महीने जो है सो शाही लीची और चाइना लीची जो है सो बहुत ही मधुर हो जाता है, इसका मिठास हो जाता है। क्योंकि तीन पानी जब पड़ता है, दो पानी तीन पानी बारिश पड़ने के बाद जो है सो लीची में मीठापन आ जाता है। तो आप लोग भी देख लीजिए, अभी लीची टूटा है और हमारे भाई साहब है, क्या नाम बताया है भैया? झड़ीलाल जी अभी लीची बना रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। चारों तरफ दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए लीची का पैकेजिंग हो रहा है। और ये लीची जो है सो मार्केट में जाएंगे और मार्केट से जो है सो शहर में जाएंगे और शहर से देश विदेश तक हमारे मुजफ्फरपुर शहर का लीची जाएंगे। तो आप लोग भी आइए और मुजफ्फरपुर शहर में एक बार आइए और घूमिए और लीची का जो है सो खरीदारी कीजिए और इसका आनंद उठाइए। ओके दोस्तों।